नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है, महिला हैं और उन्होंने अपनी हथेली हमें विश्लेषण के लिए भेजी हुई है। हथेली का आकार आप देखोगे, हल्के रूप में ये आयताकार है और वैसे ये चौकोर किस्म की हथेली है। अगर हम बात करें तो मानसिक वर्क इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है इस बात की ओर जो है यहाँ पे संकेत देती हुई आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक चीज़ हथेली में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है, उसके बाद मैं सभी चीज़ों का विश्लेषण करूँगा, लेकिन देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ से अगर आप देखो एक रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है और आपका राहु के क्षेत्र पर बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से नहीं बना है लेकिन ये पूरी तरह से बनता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे स्थिति में दिखाई दे रहा है। और ये 2.5 वर्षों के बाद या 5 वर्षों के बाद जो है आपकी हथेली में बहुत अच्छा बनेगा और अभी भी ये अपना प्रभाव दे ही रहा है। राहु पर त्रिकोण बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। ये अगर त्रिकोण इस रूप में आपकी हथेली में हो, इसके स्तंभ देखिएगा, तब जाके इसका फायदा जो है, एक तो आपकी ब्रेन की रेखा इसका प्रथम स्तंभ है, ठीक है ना। अब ब्रेन का मतलब होता है आपकी सोचने की रेखा, ब्रेन आप सोचने का काम करता है। दूसरी रेखा है आपकी करियर और धन की रेखा, उससे एक स्तंभ इसका बना हुआ है। तीसरी ही आपकी व्यापार की रेखा, इन्हीं रेखाओं से ये राहु क्षेत्र पर त्रिकोण बना है और बहुत कम लोगों की हथेली में इन रेखाओं के द्वारा ये त्रिकोण बना होता है। और जब भी आपकी हथेली में राहु इस तरह से उन्नत स्थिति में हो, सुंदर स्थिति में हो और उस पर त्रिकोण बना हो, तो निश्चित रूप से शेयर और सट्टे में ऐसा व्यक्ति या तो अचानक धन कमाता है या तो शेयर और सट्टे में ये व्यक्ति जो है धन के मामले में सौभाग्यशाली रहते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अगर शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर में काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो इसको जारी रखिएगा, कोई नुकसान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभार अगर हो भी जाता है तो भी आप उस चीज़ को पा लेंगे। राहु आपका वर्तमान समय में सुंदर भाव में बैठा हुआ है और राहु इस रूप में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छे रूप में है। हो सकता है आपकी समुद्र की यात्रा करने का मौका मिला या समुद्र की यात्रा करने का मौका नहीं भी मिलेगा, विदेश यात्रा का बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। अगर आप लोग माने खुफिया विभाग की नौकरी करने के उत्सुक हैं और आपका राहु इस तरह का है, तो निश्चित मानिएगा खुफिया विभाग में आप सेलेक्ट होंगे। ज्योतिषी की भावना या तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते हैं, अगर जिनका राव अच्छा होता है ना और वो ज्योतिष की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं अपने जीवन काल में, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं। और देखिएगा जिनकी हथेली में भी राहु इतना अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। राहु इतनी अच्छी स्थिति में जो है आपकी हथेली में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताता है कि है क्या एक्चुअल में वर्तमान समय भविष्य कैसा रहने वाला है, इस ओर ध्यान देते हैं। देखिएगा हमारी हथेली है ना, इसमें दो आचार्य बैठते हैं, दो गुरु बैठते हैं,
और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग है ना, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर का माउंट। आचार्य बृहस्पति जी हैं ये गुरु का पर्वत, इसे हिंदी में कहते हैं। और ये देवताओं के गुरु हैं, और जब गुरु हैं मतलब सबसे बड़े हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो अंगूठा है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको वीनस का माउंट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे शुक्र का पर्वत कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये दूसरे आचार्य हैं, और ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के नहीं हैं। ये देवताओं के हैं तो ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर हैं ना, त्रिपुरारी हैं ना, उनके शिष्य भी हैं, और ये हमारे जीवन में सुख प्रदान करते हैं। आपको जो भी शारीरिक सुख मिलता है, जो भी मानसिक सुख मिलता है, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा सुख आपको जीवन में मिलेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपकी जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, ये शुक्र तय करता है। ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो ये बृहस्पति है और इस पे जो ये फिंगर बन रही है, ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, पूरी झुक रही है। और किस तरफ झुक रही है? आपकी मिडिल फिंगर की ओर, जिसे हम मध्यमा कहते हैं हिंदी में। और इसका जड़ वाला भाग क्या है? ये शनि का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है। ये जब आपकी तर्जनी उंगली मानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर मानी शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा होती हैं। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाली जातिका हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाली जातिका हैं, ये इस चीज़ को बता रही है। दूसरी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो ये शनि की उंगली है वो भी मुड़ रही है, झुक रही है। किसकी तरफ झुक रही है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। और रिंग फिंगर की तरफ जब शनि की उंगली झुकती है ना, ये नेगेटिव भाव प्रदान करती है, इसमें नेगेटिविटी आती है। क्यों आती है? ये कर्म का परचायक है, मतलब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये बहुत बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ये सर्वश्रेष्ठ है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को भी जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कनिष्ठा उंगली अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपकी कनिष्ठा उंगली भी यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, और सूर्य की उंगली के प्रथम पौरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, यदि ऐसा जातक जातिका कार्य करती है ना, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होती हैं, या उच्च पदस्थ अधिकारी होती हैं, चाहे ये प्राइवेट सेक्टर में काम करें, चाहे ये सरकारी क्षेत्र में काम करें, लेकिन उच्च पदस्थ होती हैं। दूसरी अगर बात करें तो आपकी यहाँ पे बुध की उंगली और आपकी यहाँ पे सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, और जब ये दोनों उंगलियाँ बड़ी होती हैं और व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक हो, कोशिश करें, मेहनत करें, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे रूप से दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति और शनि की उंगली है उसके बीच में हल्का गैप दिखाई दे रहा है, सूर्य की उंगली शनि की उंगली है उसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, और धन के मामले में ये गैप 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखता है। तीन चीज़ें हैं, या तो खर्चेला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा,
या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, इन दो चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी या धन के महत्व को नहीं समझा होगा। ये है 50वें वर्ष तक। धन के रूप में या तो संघर्ष हल्के रूप में रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा छिद्र नहीं है, थोड़ा है, या धन के महत्व को नहीं समझेंगे। लेकिन ओल्ड एज आते आते 50वें के बाद धन को संरक्षित करने में और धन कमाने में, धन पाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और धन बहुत अच्छा आप संरक्षित करेंगे। धन के मामले में 50वें वर्ष के बाद से सौभाग्यशालिता आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली मुड़ रही है शनि की उंगली की तरफ, शनि की उंगली मुड़ रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ और आपकी कनिष्ठा भी मुड़ रही है रिंग फिंगर की तरफ। मनीष वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी जाति का अपने समाज में यश पाने की चाह रखने वाली होती है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाली होती है। और देखिएगा, जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो हम कार्य भी ऐसे ही करते हैं। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की और आपकी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे चीज देखते हैं, आपका अंगूठे को देखें तो आपका अंगूठा लचीला दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, ये भी अच्छा है। अब एक चीज और देखने की कोशिश करें, आपकी हथेली में जो ये रेखा है, इसको हम कहते हैं हृदय की लकीर, ये कहाँ जा रही है? अपने स्थान से निकल करके ये छोटी उंगली है ना बुद्ध की, उसका जो जड़ वाला भाग है ना, उसके नीचे से ही हृदय रेखा का उद्गम स्थान होता है, वहीं से निकलती है। लेकिन पहुंचती या तो बृहस्पति पर है या पूरी हथेली को पार कर लेती है, या तो जिस तरह से आपकी रेखा पहुंच रही है उस तरह से ये पहुंचती है। आपकी रेखा मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये रेखा इन दोनों के बीच में जाती है ना, तो इस पे आचार्य बृहस्पति जी, जो प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाला, उनका प्रभाव पड़ता है, उनका बलाबल आता है। मिडिल फिंगर के नीचे जो शनि का भाग है, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य की जो लकीर है ना, यहीं पे आके रुकती है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय की रेखा पर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है ना, बलाबल आता है ना, तो ऐसे जातक जातिका अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में भी आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर गुरु का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो है शनि का बल आ जाने के कारण कितनी भी मेहनत करनी पड़े, भगवान की पूजा करनी पड़े या जो है कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे और बढ़ेंगे। अब एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, शांत हिसाब से देखें, सीधा सीधा अगर आप देखते हैं तो ये रेखा यूँ जारी है, तो यहाँ से एक ब्रांच आचार्य बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं ना, उन पर जाके मिल रही है, उनसे संबंध बना रही है। ये श्रेष्ठ है। ये क्यों श्रेष्ठ है कि गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, देवताओं के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, इसका मतलब है श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ और निजी जो है स्वार्थ को साधने के लिए नहीं सोचते हैं,
आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला, नॉलेज को अर्जन करने वाला व्यक्तित्व भी है, बुद्धिमत्ता से काम करने की कोशिश करती हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ होंगी, हृदय की गहराइयों से जिसको भी प्रेम करती हैं करने वाली व्यक्तित्व आपका है, जो आपसे मन से जुड़ जाता है, अच्छे भाव से जुड़ जाता है, आपका व्यक्तित्व भी अंत तक निभाने वाला है, लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन है, पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और देखिएगा ये इस तरह से बन रहा है कि आप निश्चित ही अपने क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से निकल कर जा रही है और हृदय की लकीर पर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है, ये अलग अलग फल देता है। अगर व्यक्ति की हथेली में बनता है, मेल की हथेली में, तो व्यक्ति को ये भावनात्मक बनाता है, यूज ज़्यादा होता है व्यक्ति। लेकिन महिला की हथेली में बना हो तो अच्छा फल देता है, बृहस्पति का प्रभाव आता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन बढ़ता है। शनि का प्रभाव आता है तो कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में बढ़ोतरी होती है और अपनी कमाई हुई पैसों से निश्चित तौर पे अपने घर की प्राप्ति होती है, अपने घर का सुख मिलता है। किसी कारणवश अपनी कमाई हुई पैसों से घर का सुख नहीं मिला तो अपनी पसंदीदा जगह पे ज़्यादातर मामलों में किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है अगर ये त्रिशूल जो है हृदय रेखा पर स्त्री के हाथ में बना हो तो। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, मस्तिष्क की लकीर होती है ना, किसे कहते हैं ये, इसे कहते हैं मस्तिष्क की लकीर, ब्रेन की रेखा। ये रेखा परिचायक होती है हमारी बुद्धि की, इसलिए इसे ब्रेन की रेखा कहते हैं ना, हमारी विवेक की। देखिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका महत्व कितना है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए किसी व्यक्ति की जो आयु है ना, वो कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो ये लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। घर में आपका कितना भी सुख संपदा, भाग्य की रेखा कितनी भी अच्छी हो, भाग्य कितना भी अच्छा हो और सुख संपदा सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर विवेकहीन हो व्यक्ति, बुद्धिहीन हो व्यक्ति, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की हो जाती हैं। आपकी ब्रेन की रेखा अपने उद्गम स्थान से निकल रही है, ठीक है ना, और अंत में आप देख रही होंगी उसको, ये देखिएगा यहाँ पे दो हिस्सों में बट रही है ना, अंत में द्विमुहाकार हो रही है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से मस्तिष्क की लकीर द्विमुहाकार होती है ना, तो ऐसा जातक एक से ज़्यादा, मनी एक से ज़्यादा क्षेत्रों में अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों से जो है मुझे धन की प्राप्ति हो, तो यही प्रयास वर्तमान समय में आप करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब एक रेखा और देखते हैं, देखिएगा जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई साफ दिखाई दे रही है, धनुषाकार है ना, बहुत बढ़िया है, और पीछे अंगूठे के पीछे तक जा रही है, मानी परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। बहुत केयर करने वाले व्यक्तित्व आपका है, अपने परिवार का आप बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और जीवन में चाहे कठिनाई रहे, चाहे संघर्ष रहे, तो भी आपके जीवन में निरंतर उन्नति की ओर आपकी हथेली ले जा रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा,
धन और करियर की रेखा आपकी हथेली में इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक से ज़्यादा रेखाएं दिखाई दे रही है। देखिएगा इस तरह से लंबी धन और करियर की रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की ओर संकेत करती है। ऐसे लोगों को निश्चित ही अपने वाहन का, अपने घर का, और चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, लेकिन अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। और ये तीन चीज़ आपको जीवन में निश्चित मिलेंगी या कुछ चीज़ें मिल भी गई होंगी। ये चंद्रमा से प्रभावित हैं तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच चैन मिल जाता है। और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, और जब भाग्योदय होता है तो प्रत्येक दिन ऐसी जातक जातिका जो है अर्निंग करते हैं अपने जीवन काल में। निश्चित है धन के मामले में, करियर के मामले में आगे और भी अच्छा रहने वाला है ये आपकी जो है, और सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर के मामले में बहुत अच्छा जो है जीवन में रहने वाला है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक रेखा जो है आपकी इधर से आती हुई और बुध की ओर जा रही है, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ा व्यापार नहीं दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी इसी की सहयोगी रेखा है और निश्चित ही आने वाले समय में जैसी स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, और ये क्षेत्र का जो त्रिभुज है वो भी स्पष्ट दिखने बैठ जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन लाभ होगा या व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके ग्रहों की ओर अगर चलते हैं तो देखिएगा जो आपका अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना? और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगी आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, आप भी तेजस्वी होंगी, सही में आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। आने वाले समय में चाहे परिवार दूर रहे, चाहे नज़दीक रहे, चाहे बच्चे दूर रहें, चाहे नज़दीक रहें, लेकिन तो भी आपको परिवार का सहयोग, परिवार का साथ और सुख जरूर मिलेगा, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। वर्टिकल लाइनें भी चल रही हैं इसमें, जिस कार्य को हाथ लगाते हैं, अपने हाथ में लेती हैं, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ती नहीं है, कार्य के प्रति भी जुझारोपण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हल्के रूप से ये उभरा हुआ दिख रहा है, ये वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभाव की ही स्थिति है। जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसको जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जरा भारी है, अति बली है, और जब ये अति बली होता है तो चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इसमें ये कमी करने का काम करता है और इसका प्रभाव या तो 2.5 सालों तक रहता है या तो 5 सालों तक ज़्यादा रहता है जब ये बली हो जाता है। वर्तमान समय में दो स्थितियां हैं, एक तो ये बली है, सुख के क्षेत्र में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, दूसरे वाले प्रथम आचार्य, ये शनि की तरफ ढले हुई दिखाई दे रही है, और जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है ना तो निश्चित तौर पे पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है,
और शुक्र भी अति बली हो, इस तरह से यहाँ पे एक चोंच जैसा निकला हुआ हो, तो ऐसे में सुखों में कमी आती है। तो पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन की सुख में जो है ये दोनों ग्रह जो है कमी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अत्यधिक उबरा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंता कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। वहीं ये शनि से युक्ति बना रहा है तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। इन दोनों का मैं सुंदर उपाय आपको भेजता हूँ। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी रेखाएं इसमें जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में ये थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को देता हुआ आपका मंगल दिखाई दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो मानसिक परेशानी देगा, नेत्र रोग दे सकता है, आंखों की जो रोशनी है ना वो थोड़ी सी कमी हो सकती है, चश्मा लग सकता है, या ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर है ना उसको जन्म दे सकता है, या शारीरिक ताकत में कमी कर सकता है, या शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर सकते हैं। इसकी संभावना मंगल के कमज़ोर और दूषित होने पर ज़्यादा होती है। इसको ठीक करने के लिए मंगल का उपाय व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और आपको विशेषतर इसमें जो है जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति, जिसको हम देवताओं के गुरु कहते हैं, शनि की तरफ पूरी तरह ढले हुए हैं तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और इस हिस्से को देखें तो साधारण भाव में धन का ग्रह वर्तमान समय में बैठा हुआ है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगी। अब बात करते हैं आपके शनि पर्वत की। देखिएगा शनि पर्वत में अगर आप शान से देखिएगा तो इस तरह से जो है कुछ आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है और ये आकृति आपको बता रही है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग की ओर या रहस्यमय विद्या की ओर, जिसमें ज्योतिष भी एक है या तंत्र मंत्र भी एक है, इस ओर ज़्यादा आकर्षित हो जा सकती हैं और उस ओर जो है ज़्यादा रिसर्च कर सकती हैं या ध्यान ज़्यादा आपका जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि देखिएगा मस्तिष्क की लकीर से एक लकीर आपकी शनि की तरफ जा रही है और जब भी कोई लकीर मस्तिष्क की रेखा से मस्तिष्क के प्रभाव को लेकर आगे बढ़ती है और शनि के पर्वत तक जाती है ना, ऐसे जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में रिसर्चर, उच्च कोटि की खोजकर्ता हो जाते हैं और ये गुण आपके अंदर आते हुए यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र है, चाहे वो अपना क्षेत्र है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें रिसर्च जरूर करेंगी और उच्च कोटि की खोजकर्ता रहेंगी और उसमें फायदा भी आपको होगा। यहाँ पे ये भाग उठा हुआ है, वर्तमान समय में शनि के कारण बेवजह की चिंताएं घर कर गई हैं। शनि हर जगह जो है अड़चन डालता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य कर रहा है। हो सकता है शनि की वजह से बुरे बुरे ख्यालात भी आ जाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन घबरा जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ लोगों को शनि डरावने सपने भी देता है या विचित्र किस्म के सपने देता रहता है, जिससे व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है और दुविधा की स्थिति में आ जाने के कारण बेवजह की चिंताएं करने लगता है। ये शनि के गुण हैं।
कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वर्तमान समय में आपको, वो शनि के कारण यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें, देखिएगा सूर्य की लाइन आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, जो प्रतिष्ठा को जन्म देती है। और सूर्य की लाइन के साथ साथ आप देखोगे हल्के रूप से बहुत सुंदर मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी सूर्य के पर्वत पर मछली का साइन बनता है तो व्यक्ति को सबसे पहले ये क्रिएटिव करता है। दूसरी बात है कि अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसा व्यक्ति हासिल करता है। बहुत अच्छे गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रेखाएं भी जारी हैं, जो एक विचार जो है बहुविचार हो जाते हैं, एक चीज़ में मन नहीं लगता, विचार नहीं बनता, कई क्षेत्रों में व्यक्ति जो है जाने की सोचता है और सफलता कम पाता है। लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका उस रूप से श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए, जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। तो थोड़ा सा जो है सूर्य का उपाय भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दो तीन रेखा इसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं बुध के पर्वत पे, तो सेवा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ज्ञाता है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और ओल्ड एज तक बहुत अच्छा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। बुध का पर्वत बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि और सूर्य के अच्छे होने पर, अनुकूल होने पर, क्योंकि राहु तो बहुत अच्छा है, जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित ही पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इस बुध की वजह से आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व आपका है। योजना बनाकर आप चलने वाला आपका गुण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करती हैं, कोशिश करती हैं कि उसे पूरा किया जाए। आपकी हथेली में सही रूप से देखें तो बुध का पर्वत विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, अपनी वाणी को लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, प्रभावशाली तरीके से, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, और कब सही समय है, और किस प्रकार से रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आती है। वाणी का जो आकर्षण है धीरे धीरे बहुत अच्छा आकर्षित करने वाली वाणी रहेगी, और ये पैकेजिंग का मालिक है तो सुंदरता भी बहुत अच्छी देता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बुध इस रूप में है कि व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, इस बात की ओर जो है दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है। आपका अगर मंगल का क्षेत्र देखें तो आपका ऊपरी मंगल का क्षेत्र एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिख रहा है। पराक्रम यहाँ पे बहुत अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और संकट के समय मन नहीं घबराएगा इस ओर जो है यहाँ पे आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका चंद्र का हिस्सा देखें, देखो चंद्रमा पे इस हिस्से को देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ा सा जो है मन को ख़राब कर लेती हैं, ये माने मानसिक रूप से जो है थोड़ा परेशान कर रही हैं। काम में इस चंद्रमा के नेगेटिव भाव आ जाने के कारण मन नहीं लगता है। इमोशनली भी कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, भावुक हो जाती हैं, बात बात पर आंखों से आंसू निकल सकते हैं, इस तरह की स्थिति आ सकती है। चंद्रमा अगर इससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। और चंद्रमा
मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है। अगर ये दूषित ज़्यादा होता है तो आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो ये सुधरने की स्थिति में आ रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में चंद्रमा कह रहा है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शरीर में समस्या हो भी आपका मन आने वाले समय में मजबूत रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम चंद्रमा बेहतर होगा तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया तो क्रिएटिव हम हर समय रहेंगी, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। एक दो सवाल आपके परिवार संबंधी हैं, उनको ऑडियो के माध्यम से मैं भेज रहा हूँ, उनको ऑडियो सुनें। सार्वजनिक उन सवालों को नहीं कर पा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको भेज दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।